ग्वाल मंडी के थाना में 1268/24 FIR दर्ज होती है, जो कि अगवा की FIR है। नसरीन बीबी जो कि मुदई हैं, जो कहती हैं कि उनका 32 साल बेटा म्यू हॉस्पिटल से अगवा किया गया। एक ही बेटा है और है भी नहीं है ना, कि और होते तो मैं ऐसी चलो सबर आ जाता। दिमाग से मजदूर था लेकिन मेरा हाथ तो पकड़ लेता था रस्ते में, मेरा तो लख जिगर था, मेरे लिए तो सब कुछ था। अच्छा मुझे बताएं, ये कब का वाकया, कब आपका बेटा यहाँ से लापता हुआ? आज 12 दिन हो गए या नहीं है, जुमे का दिन था और बैठा हुआ चरपाई पर, तो मैंने कहा कमरे में घूमो तो ज़रा सा घुमा है, तो फिर वो तो भूल जाते हैं ना, दरवाज़ा खुला होता, ज़रा सा दरवाजे से बाहर निकला है, तो उसका फिर दरवाजे से निकला है, तो मैं जाके सारे रूमों में देखा है, कमरों में मुझे नहीं मिला, तो मैं अगर सीढ़ियों की तरफ चली जाती ना तो मुझे मिल जाता, तो मैं वो एक एक कमरे में देख रही थी। उसका यहाँ पे इलाज करवाने के लिए लेके आए थे पेशावर से, मुझे किसी ने कहा कि बड़ी अच्छी हॉस्पिटल है तो इधर उसका इलाज, मेरी बहन अच्छी हुई है, इसी तरह टकरे मारती थी और लोगों को मारती थी तो ठीक होता, मैंने कहा चलो मैं भी ले जाऊँ तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ज़हनी तवाज़ुन का मसला था? हाँ, ज़हन उसका काम नहीं करता था, वो बस भूल जाता था ना, मुँह आते उसका धोने ली जाती थी ना हॉस्पिटल में, तो वो दूसरे के वार्ड के कमरे में बैठ जाता था और फिर उसे मैं हाथ से पकड़ के अपने कमरे में लाती थी कि इधर तेरा वार्ड ये है बेड, वो भूल जाता था, उसको कुछ पता ही नहीं है, खाना नहीं खाता था खुद से, 4 दिन भूखा रहे तो खाना नहीं खाता था उसे मैं दूँ तो। मुझे ये बताएं कि अस्पताल से कैसे गया वो भाई? अस्पताल से पता ही नहीं चला, उसी टाइम मैं नीचे उतरी हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर ही गायब हो गया, पता ही नहीं चला, उधर मैं दौड़ी हूँ फिर कमरों में दौड़ी हूँ, फिर नीचे आई तो है ही नहीं है, सारे हॉस्पिटल के मैं देखा है मुझे मिला ही नहीं। 65 साल आपकी एज हो गई है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई CCTV वगैरह नहीं थी, आपने खुद भी ढूंढा है, अमले ने भी साथ दिया या नहीं? कैमरे एक भी नहीं है, सब खराब है, सिर्फ कमरा गेट नंबर 3 का CCTV कैमरा मुझे बताया, उसमें नजर ही नहीं आया। यहाँ पे कहीं गेट नंबर 2 पे नहीं लगा हुआ? ना नहीं लगा हुआ, क्योंकि आपके वार्ड के सामने तो यही दरवाजा लगा। ना ना नहीं लगा हुआ, दो नहीं लगा हुआ। हाँ। तो ये कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए इस बात को? 12 दिन हो गए, आज 12वां दिन है के नहीं है, पिछले जुमे है, एक तो ये जुमा गुजरा है पिछले जुमे का। एक ही बेटा है आपका? एक ही बेटा है और है भी नहीं है ना, कि और होते तो मैं ऐसी चलो सबर आ जाता, एक ही है तो नहीं है, चलो और परदेश है, मैं तो पेशावर से आई हूँ तो उसको तो कुछ इधर का पता ही नहीं है, पहली दफ़ा आया है और उसको तो कोई किस पता अता पता ही नहीं है कि ये वो ना खाता है ना पीता है। मेरे बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन भी नहीं दुरुस्त और 12 दिन आपके बगैर कैसे रह रहा होगा, कहाँ गुजर रहे हो? कह रही हूँ पता नहीं कौन धूप में भी खड़ा रहता है ना, उसको धूप से मैं खींचती हूँ, कहती हूँ धूप है तो तुम खड़े हुए हो तो मुझे पता नहीं है कि धूप है, और बस बिल्कुल ही वो दिमाग से नहीं समझता। FIR वगैरह करवाई है? FIR कराई है, मेरे पास पड़ी है ना। क्या कहते हैं पुलिस वाले? क्या मैं जब भी जाती हूँ तो यही कहते हैं कि आम कोशिश कर रहे हैं, क्या पता किस तरह कोशिश कर रहे हैं कि 12 दिन में मेरे बच्चों को पैदा नहीं कर सके, वो कहते सब मैंने जितने थाने हैं सबको दिए दिए। अस्पताल का अमला क्या कहते हैं? वो तो जब भी आते हैं तो यही कहते हैं कि आपका बच्चा मिला है, वो तो और कुछ नहीं कहते, यही बता मुझसे पूछते हैं उल्टा। वो खुद आपकी कोई मदद नहीं करते? नहीं, अभी तक कोई मेरी मदद नहीं की, उल्टा खुद मुझसे पूछते हैं कि बच्चा तो हमारा मिला है, मैं कहती हूँ नहीं। माँ जी आपके खामद वगैरह भी हैं? किधर है? नहीं है, मैं बेवा हूँ, तब मेरा तो खामन है ही नहीं, मैं पेशावर में रह। कोई और रिश्तेदार जो यहाँ पे हो? इधर कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा बेटी का बेटा आया उन्हें भी सारा दे के चला गया, फिर दूसरा बेटी का बेटा आया वो भी दे के चला गया, दोनों आए हैं। तो अभी यहाँ पे अकेली? अभी अकेली हूँ, ऊपर बैठी हुई हूँ। तो खाना वगैरह कैसे खा रही है? इधर नीचे उतर के कुछ ना कुछ खाती ही नहीं हूँ, इतना भूख ही नहीं लगती, भूख ही बंद हो गई है बेटे की वजह से, बस कोई जूस पी लिया बस इस तरह कुछ करके, तो अंदर खाना तो जाता ही नहीं है उसके बगैर मेरा, वो तो मेरे साथ कुछ ना कुछ खा लेता था, तो मेरा दिल। क्या आला हुकाम को क्या कहना चाहेंगे? वज़ीरे आला मरियम नवाज़ हैं, आला मरियम नवाज़ को यही कहती हैं कि मेरी मदद करे और मेरे साथ दे और मेरे बच्चे का पैदा करके मुझे दिलाए, कुछ ना कुछ मेरे लिए करे, मेरी मदद करे, मैं बड़ी दुआएँ दूँगी और बड़े मशकूर होंगी उनकी कि अगर मेरी मदद की उन। ये जी हस्पताल के अमले की नाहली आप चेक कर लेंगे, बच्चा यहाँ से गायब होता है, लड़का जिसका अभी तक पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे है ना, CCTV कैमरास चल रहे हैं, और एक खातून जो पेशावर से अपने बच्चे को
बेहतर बनाने के लिए, इलाज करवाने के लिए यहाँ पे लेके आई ताकि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो सके और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन क्या पता था कि लाहौर में आते ही उसके साथ ये मामला बनेगा कि माँ अपने बेटे से जुदा हो जाएगी। मैं अपील करता हूँ अल्लाह हुकाम से कि मदद की जाए इनकी, क्योंकि बेसहारा खातून है, ना खामंद है इनका कोई, दूसरा बेटा है मेरा और कोई बेटा भी होता है, मेरी मदद की जाए, मैं मरियम नवाज मेरी मदद करे, मेरा तो और कोई नहीं है ना, ये बेटा ही यही बेटा था, ये तो फिर भी दिमाग से मजदूर था लेकिन मेरा हाथ तो पकड़ लेता था रास्ते में, कि हाथ पकड़ मैं, हाँ क्यों, मेरा तो लखते जिगर था, मेरे लिए तो सब कुछ था, मेरी मदद की जाए कि मैं, मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मैं बहुत ही ना खाना खाती हूँ ना कुछ, दिल ही नहीं करता, मुझे ज़ोर ज़ोर से वाट वाले कहते हैं खाओ, तुम खुद बीमार हो जाएगी, तुम सारा दिन फिरती हूँ, पुलिस वाले तो काम नहीं कर रहे, मैं सारा दिन खुद फिरती हूँ, उसे ढूंढती हूँ, हाथ में बैनर चुक उठाया होता है इधर, तो फिरती रहती हूँ कि इसको किसी ने देखा है, अरे एक एक को कहती हूँ लेकिन नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए हैं, 12 दिन पूरे, कोई मुझे क्या कहता है, कोई कहता है दहशत गर्द उठा के ले गए होंगे, कोई कहता है फ़कीर रह गए हो गया, उसे खैर मंगा तो होगा, ऐसे उल्टा और डराते हैं मुझे। साइकेट्री डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनकी जानिब से हेल्थ कमीशन को जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें कहा गया है कि जुमे के 12 बजे ये अपनी वालदा के साथ बाहर निकलते हैं वाक के लिए, जिसके बाद ये हॉस्पिटल से लापता हो जाते हैं। उन्होंने फिर उसके बाद हफ्ते की रिपोर्ट के बारे में बताया कि हफ्ते के दिन गवाल मंडी में जाके इन्होंने FIR जमा करवाई, जिसको आज 12 दिन गुजर चुके हैं। इसके अलावा फिर आखिर में बताया गया कि मंडे वाले दिन CCTV के ज़रिए ढूंढने की कोशिश भी की गई लेकिन उसको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि दूसरा अमला वार्ड के अंदर दूसरे मरीजों के साथ मसरूफ़ था, इसी दौरान ये अपनी वालदा के साथ बाहर आउटसाइड वॉक करने के लिए गया था। इसके अलावा उन्होंने इस पूरे जो FIR के बाद इन्होंने फैसला किया इस गुमशुदगी के बाद कि ये जो इस बच्चे की वालदा हैं उसको स्टे करने के लिए, क्योंकि ये लाहौर की रिहायशी नहीं है, तो इनको यहाँ पर रखा जाए ताकि वो जब तक इनका लड़का मिल नहीं जाता तब तक ये यहाँ पर स्टे करें और खाना पीना और जो भी रिहाइश के मामलात हैं यहाँ पर देख सकें। ये रिपोर्ट सबमिट करवाई गई हेल्थ कमीशन की जानिब से। और इसके अलावा माँ जी ने भी जो हकाइक बताए वो भी हमने आपके सामने रखे। इसके अलावा जो म्यू हॉस्पिटल की जानिब से ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके बारे में भी हमने हकाइक आपको अहवाल उनका बताया कि रिपोर्ट चूंकि इंग्लिश में है तो आर दी ऑडियंस को वो समझ नहीं आई थी इसलिए उसका तर्जमा करके बताना पड़ा। मुझे दे इजाज़त, अपना रखे ख्याल, अल्लाह निगेबान।